Good morning, students. Today, I am going to teach you the student of class 10th, subject science. My today's topic is reflection of light. So, reflection of light. रिफ्लेक्शन ये जो टॉपिक है रिफ्लेक्शन इसके बारे में आपको मैंने पहले भी कल इंट्रोड्यूस किया था कि रिफ्लेक्शन की चीज क्या है. रिफ्लेक्शन को सीधा हम बोलेंगे किसी एक साथ बच के वापस आ जाना. लेकिन यहां पे हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की बात कर रहे हैं तो हम स्पेशली किसकी बात करेंगे, द रेडिएशन ऑफ लाइट. ओके, सो रिफ्लेक्शन इज इट इज द फिनोमिना of bouncing back of light rays into the same medium by an object. कोई भी ऑब्जेक्ट है उस पर लाइट पड़ रही है और वो लाइट वापस आ रही है उसी मीडियम में, तो दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन. तो रिफ्लेक्शन हमारे आसपास जो है, ये जो सनलाइट है, साउंड की भी रिफ्लेक्शन होती है. आपको पता होगा कि हमारा इको होता है, जब हम कभी साउंड प्रोड्यूस करते हैं तो एक्चुअली मैक्सिमम जो है 17 मीटर की उसकी स्पेस होनी चाहिए ताकि हमारे साउंड भी वहां से क्या आती है, रिफ्लेक्ट होके वापस आती है. जैसे आप नाले के आसपास होंगे, जोर से आवाज लगाओगे तो ऑटोमेटिकली जो है यू विल हियर योर रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड. तो कभी कभी आपने ये भी देखा होगा मोबाइल फोन होते हैं, तो मोबाइल फोन पे आप कॉल कर रहे होंगे तो आपको अपनी आवाज खुद ही सुनाई देगी, तो वो भी क्या है, इट इज द रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड. बट यहाँ पे हम जो है बात करेंगे लाइट की. तो लाइट भी आपको पता है, सपोज आप जो है शीशे में टॉर्च करोगे तो वो टॉर्च की रोशनी जो है वहां आएगी. और मैंने कल भी आपको बताया था, देयर आर सम नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट्स व्हिच रिफ्लेक्ट बैक द लाइट फॉल ऑन देम. इसलिए सपोज मून जो है, मून भी क्या करता है, रिफ्लेक्शन करता है. प्लैनेट्स क्या करते हैं, रिफ्लेक्शन करते हैं. मेरे पे अब लाइट पड़ रही है तो मैं आपको दिख रहा हूं. क्यों दिख रहा हूं, बिकॉज लाइट कमिंग फ्रॉम द बल्ब इज रिफ्लेक्टेड और स्कैटर्ड फ्रॉम माई बॉडी और फ्रॉम माई क्लोथ एंड देन इट कम्स टू योर आईज और आप उसके बाद में देन यू आर एबल टू सी मी. इसी तरह से जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है, हम इसको ये बताते हैं, ठीक है. रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो है, देयर आर टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के दो लॉज हैं, ठीक है. पैरेलल लॉ क्या है, द इंसिडेंट एंगल the reflected angle, या reflected angle या the angle of incidence भी बोलते हैं, इसको हम ये भी बोल सकते हैं angle of incidence. इसको हम बोलते हैं the angle of reflection, लिख सकते हैं इसको the angle of reflection and the normal all लाइट इन सेम प्लेन. सारे के सारे क्या होते हैं, सेम प्लेन में होते हैं. तो सेकंड लॉ जो है, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. सो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. ये दो लॉ जो है जो हर जगह पे काम करते हैं. जब हम चाहे मिरर की बात करें वो भी रिफ्लेक्शन करता है, लेंस की बात करें वो भी जो है इसी लॉ पे जो है आता है. लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि लेंस के केस में समथिंग जो है थोड़ी सी वेरिएशन है, क्योंकि वेरिएशन का मतलब मैं बताता हूं, बिकॉज लेंस में जो है लाइट ट्रांसमिट हो जाती है और मिरर में जो लाइट है वापस आ जाती है, ठीक है. तो लेंस के टाइम में
हम लाइट के पास होने को रिफ्रैक्शन बोलते हैं और मिरर के केस में हम रिफ्लेक्शन बोलते हैं. इन दो में क्या फर्क है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस टू थिंग्स? ये जो दो ऑब्जेक्ट है इनमें क्या डिफरेंस है? हमने वी विल डिस्कस देम सेपरेटली. बट आपने ये सिंपल सी बात है कि इस लॉ में दो चीजें समझनी है. पहला ये है कि सपोज देखिए हमारे पास क्या है, ये मिरर है. सपोज दिस इज अ मिरर. ओके, दिस इज अ मिरर एंड दिस इज द स्मूथ सरफेस ऑफ मिरर. ये वाली सरफेस जो है इट इज स्मूथ सरफेस. ओके, एंड द बैक साइड ऑफ द मिरर इज पॉलिश्ड होती है. और पॉलिश जो है एक्चुअली सिल्वर की पॉलिश होती है. ओके, आपको मैं बताऊंगा. सपोज ये एक सोर्स से लाइट आ रही है. सपोज आप ये बता सकते हो कि आई हैव ए कैंडल, और कैंडल है तो ये ग्लो कर रही है. ओके, इस कैंडल से सपोज ये रे निकल रही है, या दिस इज द ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, दिस इज द सोर्स ऑफ लाइट. बट जैसे मैं खड़ा हूं तो मैं भी ये क्या है, सोर्स ऑफ लाइट बन सकता हूं, सोर्स ऑफ लाइट भी बन सकता हूं, लेकिन सोर्स ऑफ इंसिडेंट रे बन सकता हूं मैं. क्यों? व्हेनेवर द लाइट फॉल ऑन मी देन माय बॉडी विल रिफ्लेक्ट द लाइट रेज, एंड दैट लाइट रेज आर कॉल्ड इंसिडेंट लाइट रेज, जब मैं शीशे के आगे खड़ा हो जाता हूं. ओके, तो यहां से जो लाइट जाती है दिस इज कॉल्ड इंसिडेंट रे. व्हाट इज इट? दिस इज इंसिडेंट रे. और इसके बाद दिस पॉइंट, द पॉइंट ऑन द मिरर एट विच द इंसिडेंट लाइट रे फॉल इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इंसिडेंस. क्या बोलेंगे इसको? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस. दिस इज पॉइंट ऑफ इंसिडेंस. एंड यहां से जो वापस आएंगे रे, जब यहां पर बचेंगे, यू नो कि मिरर इज ओपेक मटीरियल, इट डज नॉट अलाउ लाइट टू पास थ्रू इट, अपने आप पास में लाइट होने नहीं देता ये. तो ये क्या करेगा? इट विल सेंड बैक द इंसिडेंट रे इन टू द सेम मीडियम, एंड दिस रे इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड. दिस रे इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड रे. ओके, सो रिफ्लेक्टेड रे में हम ये बताएंगे कि ये वापस आए, और ये आपको पता है कि द रेडिएशन जो है दिस इज द पार्टिकल नेचर ऑफ द लाइट, वी ऑलरेडी हैव डिस्कस्ड अबाउट इट. और आपने ये देखना कि जो लाइट वापस आएगी तो ये जो है यहां से, सपोज दिस इज आवर परपेंडिकुलर एंड दिस इज, सपोज दिस इज एक्सिस एंड दिस इज नॉर्मल. ओके, इस मिरर के नॉर्मल हम जो परपेंडिकुलर डॉटेड लाइन खींचते हैं, इट इज एन इमेजिनरी लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू द मिरर के परपेंडिकुलर एक लाइन खींचते हैं, दैट इज कॉल्ड नॉर्मल. क्या कहते हैं हम इसको? नॉर्मल. और नॉर्मल एक्चुअली इट इज एन इमेजिनरी परपेंडिकुलर. ओके, एंड हेंस इट इज ड्रॉन इन डॉटेड लाइन्स. हमारे रे डायग्राम में जब भी हम बात करेंगे दो तरह की लाइन्स होगी, एक डॉटेड लाइन होगी, एक सॉलिड लाइन होगी. सॉलिड लाइन जो है ये बताते हैं कि एक्चुअली लाइट का पाथ है, यहां से लाइट यहां से गुजरी है. एक्चुअली लाइट जब चलती है वो कोई लाइन नहीं बनाती है, बट हम उसके पाथ को सॉलिड लाइन में डिस्क्राइब करते हैं. बट व्हेन देयर इज नो एक्चुअल पाथ ऑफ द लाइट रेडिएशन, और व्हेनेवर वी ड्रॉ एनी इमेजिनरी थिंग, जो हमारे पर उस रे डायग्राम का रिलेशनशिप जो है समझने के लिए, अगर हम कोई भी लाइन ड्रा करेंगे और डॉटिंग लाइन में करेंगे, तो वो आपने ये समझना है कि ये एक्चुअल पाथ ऑफ लाइट नहीं है, ये सिर्फ है तो क्या है, इट इज इमेजिनरी लाइन इन ऑर्डर टू ड्रॉ द रिलेशनशिप, इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द रिलेशनशिप बिटवीन द लाइट रेज, इंसिडेंट रेज एंड रिफ्लेक्टेड रेज एंड द इमेज. इसलिए इसको हम नॉर्मल कहते हैं. अब जो है यहां पे देखो, ये दो बातें आ गई. द एंगल फॉर्म्ड बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस. इसको क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ इंसिडेंस इज द एंगल फॉर्म्ड बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल. एंड सेकंड वन इज द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. तो आपको कोई पूछेगा व्हाट इज एंगल ऑफ द रिफ्लेक्शन, यू विल से इट इज द एंगल फॉर्म्ड बिटवीन द नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे.
बस रिफ्लेक्टेड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रेज के बीच में, और इंसिडेंट का मतलब होता है नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे। ओके, तो हमें क्या होता है कि वी डू नॉट ड्रा द मिरर इन रे डायग्राम लाइक दैट, और इसीलिए आपने ध्यान रखना है कि ये जो मिरर मैंने बनाया, सपोज दिस इज अ मिरर, ये वही मिरर है जिसकी आप शक्ल देखते हो घर में, ठीक है, ये मिरर है, हम इसको ऐसे नहीं ड्रा करते हैं, हम एक लाइन की तरह ड्रा करते हैं, बिकॉज इस मिरर को जब हम ऐसे रखेंगे तो इसकी जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस यहाँ आएगी और पॉलिश सरफेस यहाँ आएगी, और आप जो सिर्फ उसको आगे से अगर ड्रा खींचोगे, अगर इसकी पीक खींचोगे तो आपको ये क्या लगेगा, जस्ट लाइक लाइन। लेकिन रे डायग्राम में जब हम मिरर को बनाते हैं तो स्लैंट ओब्लिक जो है स्मॉल लाइन से ड्रा करते हैं इसको, ओब्लिक स्लैंट, दिस इंप्लाइज दैट द मिरर इज पॉलिश्ड फ्रॉम द बैक साइड, क्या होता है पॉलिश्ड सरफेस, ठीक, एंड दिस इज द स्मूथ आर रिफ्लेक्टिंग सरफेस, हम इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, स्मूथ आर रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो यहां पे एक्चुअली जो है प्लेन ग्लास का जो मिरर बनता है, प्लेन ग्लास को किया क्या जाता है, इसको बैक साइड से पॉलिश किया जाता है, और ज्यादातर यूजुअली पॉलिश क्या किया जाता है, सिल्वर का, याद रखना सिल्वर इज द बेस्ट बेस्ट रिफ्लेक्टर, क्या होता है ये, इट इज द बेस्ट रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट, सिल्वर इज द बेस्ट। तो जो शीशे महंगे होते हैं बाजार में आपने देखा होगा, कुछ शीशे सस्ते होते हैं, बिकॉज आप बस स्टैंड वाले साइड जाओगे तो आपको 10 रुपए का शीशा मिल जाएगा, ठीक है, लेकिन आप वही जो कुछ अच्छी कॉस्मेटिक शॉप पे जाओगे तो द प्राइस ऑफ दैट मिरर विल बी 100 or 100, इतना ज्यादा डिफरेंस क्यों होता है, बिकॉज द क्वालिटी ऑफ ए मिरर डिपेंड्स अपॉन द मेटल कोटिंग एंड द पैन आउटसाइड दैट मेटल कोटिंग। जनरली सिल्वर की कोटिंग होती है, लेकिन उसके पीछे जो बहुत अच्छा एक पेंट किया जाता है ताकि वो सिल्वर की कोटिंग उतर ना जाए और शीशे की लेंथ लंबी हो और उसकी क्लियरिटी भी क्या अच्छी देगी। एक्चुअल में मैं आपको बताऊंगा, शीशा कोई भी जो प्लेन ग्लास है, ग्लास में कोई रिफ्लेक्शन नहीं करता है, तो रिफ्लेक्शन करता कौन है, इट इज द सिल्वर कोटिंग बिहाइंड द प्लेन ग्लास, ठीक है, जिससे लाइट रिफ्लेक्ट होके वापस आती है, ओके, बिकॉज द सिल्वर इज द बेस्ट रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट विच इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ ए कोटिंग, ठीक है, कोटिंग ऑफ द ग्लास, ओके। तो हमने ये देखा कि इसमें मैं बताऊंगा कि पहला लॉ ये है कि ये वाला एक देखिए, ये वाले एक नॉर्मल और ये रिफ्लेक्शन, ये सेम प्लेन है। तो प्लेन को क्या समझते हैं आप, प्लेन का मतलब होता है टू डायमेंशंस, क्या होता है, मैं आपको सिंपल सी बात बताऊंगा, जैसे मैं यहां पे बाल फेंकूंगा तो बाल कहां जाएगा, सीधा वहां जाएगा, ठीक है, इस तरह से आप कैरम बोर्ड खेलते हो, अगर आप कैरम बोर्ड को स्ट्राइक यहां से करोगे तो नेचुरली वो कहां है, वापस जाके जिस एंगल पे आप पार वाले जो है वॉल पे बजेगा उसी एंगल पे वापस भी जाएगा, ठीक है। तो मैं ये बताता हूं कि जब कभी कभी देखो प्लेयर होते हैं वो बॉलिंग करते हैं, ठीक है, बॉलिंग करते हैं तो जब बॉल जिस जगह पे बंप करता है वहां से टर्न ले लेती है, या तो लेफ्ट टर्न ले लेती है या तो राइट टर्न ले लेती है, इसका मतलब वो जो डायमेंशन है ना, वो डायमेंशन जो है वो चेंज कर लेती है, ठीक है। तो इस तरह से हम बोलते हैं कि वो प्लान नहीं करता है। हाँ, कोई अगर मेरा जैसा बॉलर होगा, मैं सीधा बॉल करूंगा, बॉल बच के सीधा ही आगे जाएगी, दैट विल बी द सेम इन द सेम प्लान। सपोज देखिए, मैं यहां से मैं शीशा रखता हूँ यहाँ पे, ठीक है, मिरर रखता हूँ, और यहाँ में मैं क्या करता हूँ, टॉर्च रखता हूँ, तो टॉर्च में से रेज जाएंगी और रेज वापस कहाँ जाएंगी, क्या इधर आएंगी, नहीं, रेज विल गो लाइक दैट, ठीक है। सो दिस इज ए प्लेन, हमारा जो बोर्ड है ये क्या है, ये प्लेन है, और इसी को हम बोलते हैं कि जब भी रिफ्लेक्शन होती है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल, ये सभी के सभी एक ही प्लेन में होते हैं, और इसलिए टू डायमेंशंस ही कवर कर पाती है, थ्री डायमेंशन कवर नहीं करती है। सेकंड जो लॉ है, ये जो एंगल बनेगा, जिस एंगल पे वो इंसिडेंट होगा उसी पे रिफ्लेक्शन भी होगा, और ये एंगल किसकी विद रिस्पेक्ट टू नॉर्मल, तो नॉर्मल के हिसाब से जितने एंगल पे ये इंसिडेंस करेगी उतने ही एंगल पर, अगर 40 एंगल्स पे ये गिरी थी वापस भी कर जाएगी 40 एंगल्स पे ही।
इन केस एक मैं ऐसा भी बताऊंगा, इन केस हमारे पास देखिए सपोज ये है, ये मिरर है, ओके, एंड दिस इज नॉर्मल, ओके, हमारे पास एक रेज आ रही है इस डायरेक्शन में, ठीक है, अलोंग द नॉर्मल, अगर इंसिडेंट रे अलोंग द नॉर्मल होगी तो रिफ्लेक्शन भी कहां होगी, रिफ्लेक्शन विल आल्सो बी अलोंग द नॉर्मल, इसी तरह से जो है ये वापस में जाएगी। रीजन क्या है, बिकॉज इस समय में एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना है, जीरो, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस भी कितना है, जीरो, दोनों जीरो है, इसलिए ये बराबर हो गया, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू, सो व्हेनेवर द इंसिडेंट रे गोज अलोंग द नॉर्मल ऑफ ए मिरर, देन द एंगल ऑफ इंसिडेंस एज वेल एज द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर बोथ इक्वल टू जीरो, ओके, दिस इज द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ओके। सेकंड चीज मैं आपको बताऊंगा कि रिफ्लेक्शन जो है, रिफ्लेक्शन का मतलब होता है सेंडिंग वेव ऑफ लाइट रेडिएशंस, सेंडिंग वेव ऑफ लाइट रेडिएशंस इनटू द सेम मीडियम। तो मैं आपको ये बताता हूं कि ऑल द मटेरियल डज नॉट रिफ्लेक्ट द अमाउंट ऑफ लाइट, ठीक, अमाउंट ऑफ लाइट इन द सेम क्वालिटी या सेम अमाउंट पे रिफ्लेक्शन नहीं होती है। देखिए व्हेनेवर, देखो आपको मैं बताऊंगा, व्हेनेवर लाइट फॉल्स ऑन एन ऑब्जेक्ट, जब भी लाइट एक ऑब्जेक्ट पे पड़ती है, ओके, थ्री थिंग्स कैन हैपन, ठीक है, तीन चीजें हो सकती है, ठीक, कौन कौन सी चीजें हो सकती है, जैसे इट विल बी रिफ्लेक्टेड, एक तो ये हो सकता है वो बॉडी क्या कर सकती है, राय जो भी रेज पड़ेंगी वो बॉडी अब्सॉर्ब ही कर लेगी, ठीक है, दूसरा हो सकता है इट विल बी एब्सॉर्ब, लाइट क्या हो जाएगी उस मटेरियल में, उस ऑब्जेक्ट में एब्सॉर्ब ही हो सकती है, और तीसरी चीज क्या हो सकती है कि इट विल बी ट्रांसमिटेड, या तो पारी हो जाएगी, ठीक है, तीन चीजें हो सकती है, या तो वापस आ सकती है, या तो उसमें जज़्ब हो जाएगी एब्जॉर्ब कर देगा, या तो वो मटेरियल के पार ही चला जाएगा। तो जबकि रिफ्लेक्शन होती है तो रिफ्लेक्शन का मतलब हो गया लाइट वापस आएगी, ठीक है, तो ये कहां होगा, जैसे सबसे ज्यादा मैं बताऊंगा व्हाइट कलर, जो व्हाइट कलर है वो क्या करता है, मैक्सिमम लाइट रिफ्लेक्ट कर देता है, ठीक है, व्हाइट कलर, ओके, इट रिफ्लेक्ट्स मोस्ट ऑफ, और सिल्वर में बताऊंगा, सिल्वर जो है ना, सिल्वर रिफ्लेक्ट्स अबाउट 90% ऑफ द लाइट फॉल्स ऑन इट, तो 95% लाइट जो सिल्वर वापस कर देता है, और इसमें मैं बताऊंगा कि जब भी रिफ्लेक्शन होगी तो हम क्या कर सकते हैं, विजन इसी की वजह से होता है, हम लाइट को देख सकते हैं, और विजन का मतलब जब विजिबल रेंज ऑफ लाइट रेज जो है कम्स बैक वापस आती है, ठीक है, तो हमें वो रेंज जो है, उस रेंज के रेडिएशन जो है वो हमारी आंखों में आती है और हम उसके बाद उनको देख पाते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए, मैंने बोला था विजिबल रेंज जो है 10^-7 मीटर टू 8 × 10^-7 मीटर की उनकी वेवलेंथ होती है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि कितना छोटी वेवलेंथ होती है इसके, ठीक है। अब देखिए मैं आपको ये भी बताऊंगा, रिफ्लेक्शन और स्कैटरिंग जो है थोड़े थोड़े मिलते जुलते हैं, ठीक है, स्कैटरिंग में क्या होता है कि लाइट जो भी लाइट कलर की पड़ती है वो वापस आ जाती है तो वो रिफ्लेक्शन होती है, लेकिन स्कैटरिंग में क्या होता है, जो भी हमारी विजिबल रेंज की लाइट है, जैसे विजिबल रेंज की लाइट कौन कौन सी है, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, ये वाली जो है रेडिएशन हमारे पास क्या है, विजिबल रेंज की, देयर आर 7 रेडिएशंस, इनमें से हो सकता है कि बाकी ऑब्जर्व हो जाए ब्लू वापस आए, ऐसा भी हो सकता है बाकी ऑब्जर्व हो रहे हैं ग्रीन वापस आ रही है, ओके,
सभी वो अब्सॉर्ब हो रही है, रेड वापस आ रही है, इनमें से कोई पार्टिकुलर रे भी वापस आ रही है, आ सकती है, तो उस जगह पे हम उसको क्या बोलते हैं, स्कैटरिंग भी बोलते हैं, और कभी कभी ऐसा भी हो सकता है इन सब की सभी रेज वापस आ सकती है, उसको भी स्कैटरिंग ऑफ वाइल्ड लाइट बोलते हैं, या हम उसको रिफ्लेक्शन बोलते हैं, क्योंकि वो वापस आती है। ठीक, सेकंड चीज है कि एब्जॉर्ब, एब्जॉर्ब जो जनरली ब्लैक बॉडी करती है, ब्लैक बॉडी ये क्या करती है, रेडिएशन एब्जॉर्ब कर लेती है। ओके, एक्चुअल कलर ऑफ आवर स्काई इज ब्लैक। ठीक है, तो स्काई का कलर ब्लैक है, ब्लू नहीं है, ये स्कैटरिंग की वजह से होता है। अब देखिए जो ब्लैक बॉडीज है, जैसे हमारे पास ब्लैक बोर्ड है, चाहे ब्लैक ड्रेस है, वो क्या करता है कि जब भी लाइट रेडिएशन उस पर फॉल करती है तो वो उसको क्या कर देती है, एब्जॉर्ब कर देती है, तो एब्जॉर्ब करके वो हीट हो सकता है। इसके बाद देखिए ट्रांसमिशन में आपको पता है कि ट्रांसमिट हो जाएगी, तो वो ट्रांसमिट जो है अगर हो गई तो इसका मतलब क्या है कि वो रिफ्रैक्शन भी हो सकता है, रिफ्रैक्शन हो सकता है। ठीक है, क्योंकि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट जाएगी तो ट्रांसमिट होता है, जैसे आप हवा से ग्लास में जाएगी, ग्लास से वाटर में जाएगी, तो मैं आपको ये बताऊंगा जब ट्रांसमिट हो जाएगी तो वी विल नॉट बी एबल टू सी दैट ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो तीन चीजें हो सकती हैं, और आपको ये मैं बताऊंगा कि ये तीन चीजें आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए, ये नेचुरल है। सेकंड चीज मैं बताऊंगा टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन, टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन दो तरह की हो सकती है, एक होती है रेगुलर रिफ्लेक्शन और दूसरा होता है इरेगुलर रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन इज ऑफ टू टाइप्स, रेगुलर और रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या है, सपोज रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है, ये हमारे पास मिरर होता है, प्लेन सरफेस होती है, प्लेन सरफेस मिरर, एंड व्हेनेवर द लाइट इज फॉल ऑन इट दे गेट रिफ्लेक्टेड, देखिए इस तरह से वापस आती है इस तरह से, और ये जो रिफ्लेक्टेड रेज है ना, ये दे गोज टू ए पर्टिकुलर डायरेक्शन, जब भी ये किसी ऑब्जेक्ट पे या किसी मिरर पे या वट एवर द स्मूथ सरफेस ऑब्जेक्ट होता है, जब वहां पे लाइट पड़ती है, लाइट वापस कंटिन्यूअसली जो है पर्टिकुलर डायरेक्शन में डाइवर्ट हो जाती है या रिफ्लेक्ट हो जाती है, हम उसको बोलते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन। लेकिन आपको पता है कि जैसे इरेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या होता है, सपोज मेरे पास एक पत्थर है, ठीक है, इसमें अगर लाइट रेज पड़ रही है, यहां लाइट रेज पड़ेगी, ठीक, यहां लाइट रेज पड़ेगी और यहां लाइट रेज पड़ेगी, तीन रेज मैंने बताया, क्योंकि इसकी सरफेस प्लेन नहीं है, तो यहां पे पड़ती तो इसने यहां के लिए वापस आना था, यहां पड़ी तो यहां आना था, अगर यहां पड़ी तो इसकी तरफ जो है ऐसे आ रही है। सो द डायरेक्शन ऑफ द रिफ्लेक्टेड रेज इन इज नॉट कन्फाइंड टू ए पर्टिकुलर डायरेक्शन, ठीक, या किसी मतलब एक ही जगह पे ये नहीं मुड़ती है, बल्कि क्या होता है कि द रिफ्लेक्टेड रेज गोज टू ए डिफरेंट डायरेक्शन फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। सो इसलिए क्या होता है कि जैसे सपोज मैं ये बताता हूं, जैसे हमारे इस रूम पे चेयर है, ओके, जब लाइट चेयर पे पड़े तो चेयर इज नॉट ए स्मूथ सरफेस और प्लेन सरफेस ऑब्जेक्ट, सो व्हाट हैपेंस, यहां से चेयर पे पड़ी, चेयर से इधर भी आ रही लाइट, जो भी कमरे में बंदा खड़ा होगा वो इस चेयर को देख पाएगा, व्हाई, बिकॉज सम लाइट गोज टू दिस डायरेक्शन, सम लाइट गोज टू दिस डायरेक्शन, सम दैट, इस तरह से वेरियस डायरेक्शन में लाइट जाती है, तो इस वैसी हम जो रिफ्लेक्शन को बोलेंगे, हम उसको इरेगुलर रिफ्लेक्शन बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसको, इरेगुलर रिफ्लेक्शन, ओके, रेगुलर रिफ्लेक्शन एंड इरेगुलर रिफ्लेक्शन आपको ये पता होना चाहिए। नाउ दिस इज द इंट्रोडक्शन अबाउट लाइट, नाउ हम पढ़ेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय ए प्लेन मिरर, दिस इज द फर्स्ट टॉपिक ऑफ यूर दिस चैप्टर। तो इमेज फॉर्मेशन, फॉर्मेशन बाय ए प्लेन मिरर, ठीक है, अब सबसे पहले हमने क्या किया, इमेज का नाम लिया और ऑब्जेक्ट का तो हम ले ही रहे, सबसे पहले इस क्वेश्चन को करने से पहले ऑब्जेक्ट क्या होता है और इमेज क्या होती है, इसके बारे में थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ऑब्जेक्ट जो है इट इज द मटेरियल दैट
gives out light rays. क्या देती है? It gives out light emissions. तो light emission जब किसी भी चीज से निकलेगा तो हम उसको क्या बोलेंगे? Object. और इसमें ये होता होगा कि it is not necessary that it has its own light or it has reflected the light from the another source. ये कोई जरूरी नहीं है. वो सिर्फ क्या करता है? Light को reflect करता है. तो जब light को reflect करेगा तो हम उसको क्या बोलेंगे? Object है. क्यों? जो light यहाँ से निकलती है उन रेज को क्या बोलते हैं? इंसिडेंट रेज. क्या बोलते हैं उनको? इंसिडेंट रेज. तो ऑब्जेक्ट है इंसिडेंट रेज को क्या करता है? इमिट करता है, आगे देता है. इसलिए जो हमारे ऑब्जेक्ट है ना वो दो तरह के हो सकते हैं. दे कैन बी टू टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट. वन इज पॉइंट ऑब्जेक्ट. पॉइंट ऑब्जेक्ट भी लेते हैं हम. और दूसरा जो है एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट. सेकेंड वन इज एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट. तो पॉइंट ऑब्जेक्ट का मतलब क्या? पॉइंट ऑब्जेक्ट को सपोज हम ऐसा पॉइंट लेंगे एंड एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट को हम इट इज रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ एन अपवर्ड एरो. और आपको ये बताता हूं पॉइंट और अपवर्ड का रीजन क्या है, क्यों लेते हैं? बिकॉज पॉइंट ऑब्जेक्ट हम वहां पे लेंगे व्हेन द ऑब्जेक्ट इज थॉट टू बी प्लेस्ड एट इनफिनिटी. ठीक है, बहुत दूर जहां से हम मिरर ले रहे हैं उसके कंपैरिजन में वो ऑब्जेक्ट किस जो है बहुत दूर होता है. ठीक है, और एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट में मैं बताऊंगा ये थोड़ा नियरर टू द जो है मिरर होता है या जहां पे इमेज बनी होगी तो ये नियरर होता है. ठीक है, तो जब कोई भी चीज नजदीक होगा तो नेचुरली उसकी बॉडी से रेज जो है वो क्या आएंगी, कुछ जैसे फुट से निकलेगी उससे एंगल डिफरेंट बनेगा. लेकिन कोई चीज बहुत जैसे हमारे यहां से सन है तो सन की जो पोजीशन है वो इट इज एट द इन्फिनिटी. व्हेन द लाइट रेज कम फ्रॉम द सन दे सीम्स ऑलमोस्ट पैरेलल टू ईच अदर. क्या होती है? पैरेलल, बिकॉज एंगल उनका इतना छोटा हो जाता है क्योंकि वो बहुत ज्यादा जो है डिस्टेंस ट्रेवल करके आई होती है. लेकिन एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट जस्ट इन फ्रंट ऑफ द मिरर होता है उस समय में हम उसको एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट ले सकते हैं. सो ऑब्जेक्ट आर टू टाइप. एंड व्हाट इज इमेज? इमेज इज द ऑप्टिकल अपीयरेंस. ऑप्टिकल appearance of light. ठीक है, light या हम बोलेंगे object. object का optical appearance जो हमें दिखता है that is called image. okay, image का मतलब क्या है कि जब भी हम object लेंगे, जैसे suppose image जो है शीशे में बनती है, जब हम शीशे के आगे खड़े होते हैं it is inside the mirror, it is our image. तो image is actually what? it is a reflection of the incident rays. ठीक है, हमारा जो रिफ्लेक्शन होता है दैट इज कॉल्ड इमेज. तो जब भी लाइट की ऑप्टिकल अपीयरेंस को हम रिप्रेजेंट करते हैं तो वो इमेज से ही बनते हैं. बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न दैट द इमेज इज फॉर्म्ड वेयर द रिफ्लेक्टेड रेज रियली मीट्स आर दे अपीयर टू मीट. ओके, मतलब एक्चुअल मीटिंग और इमेजिनरी मीटिंग दो तरह के हो सकते हैं. इसलिए मैं बताऊंगा इमेज जो है रियल इमेज भी होती है, रियल इमेज and virtual image. These are two kinds of images. ठीक है, real image क्या होता है? Such image is formed when the reflected light rays actually intersect each other. ठीक है, जहां पर reflected light rays actually meet करेंगी और वहां पे optical appearance देंगी कुछ, तो that will be real image. एंड रियल इमेज आप ये समझना कि जहां सॉलिड रेज जो है किसी जगह पे काट देंगे, सॉलिड रेज. ओके, तो हम सॉलिड रेज जहां पे सॉलिड रिफ्लेक्टेड रेज जहां पे इंटरसेक्ट करेगी वहां पे ऑप्टिकल अपीयरेंस आएगा, मतलब वहां पे इमेज की पोजीशन होगी. लेकिन वर्चुअल इमेज क्या होता है कि दिस इमेज इज फॉर्म्ड व्हेन रिफ्लेक्टेड रेज आर प्रोड्यूस्ड बैकवर्ड एंड दे अपीयर टू मीट एट ए पॉइंट. ओके, रिफ्लेक्टेड रेज मिलेगी लेकिन इमेजिनरी मिलेंगे, रियल में नहीं मिलेंगे. वो कैसे मिलानी है? वो हम डॉटेड लाइन जो है बैकवर्ड की तरफ या फॉरवर्ड की तरफ जहां पे भी लगा रहा हो तो बैकवर्ड की तरफ क्या करेंगे हम रिफ्लेक्टेड रेज को प्रोड्यूस करेंगे एंड देयर विल बी ए पॉइंट एट विच देयर दीज रिफ्लेक्टेड रेज अपीयर टू मीट एंड दैट पोजिशन वेयर दे मीट इज द पोजिशन ऑफ इमेज. और विच इमेज? वर्चुअल इमेज. ओके, वर्चुअल इमेज की जो पोजीशन होगी
और आप ये समझना कि कहीं ना कहीं डॉटेड लाइन जो है उसको इंटरसेप्ट करती है बीइंग इमेजिनरी लाइन। तो आपको जब भी लगेगा कि यहां पे डॉटेड लाइन इंटरसेप्ट करती है दैट इमेज विल बी वर्चुअल एंड इफ द रियल इमेजेस जो है जुड़ेंगी दैट विल बी द रियल लाइन जो है रिफ्लेक्टेड रेज रियली अगर मीट करेंगे दैट विल बी द रियल इमेज। ओके सो माय टुडेस टॉपिक वाज अबाउट रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ओके ऑब्जेक्ट टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इफ यू हैव एनी डाउट अबाउट दिस लेक्चर प्लीज यू कैन कॉल मी और पुट योर कमेंट्स इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।